नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू में। तो नवादा जिला हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं दोस्तों। तो आइए मैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ, कैसे ऑनलाइन करना है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और कब तक लास्ट डेट है और कितनी एज है। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है तो सबसे पहले इस चैनल पर अपडेट की जाती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्राइटेरिया फ्रॉम दिस पोस्ट। यहां देखिए दोस्तों, जिला आपको नवादा है, नवादा के बारे में आपको बताऊंगा। अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट या आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता करना चाहते हैं कि ये मेरे डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी है या नहीं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जैसे पटना है, बेगूसराय है, आपको सीतामढ़ी है, मधुबनी है और भी बहुत सारे बिहार के डिस्ट्रिक्टों में ये फॉर्म भरा जा रहा है। अगर आप अपना डिस्ट्रिक्ट का पता करना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च करें bih.nic.in, ये आप लगा दीजिएगा और शुरू में यहाँ पे शुरू में आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दीजिएगा। कहने का मतलब है, अगर आप पटना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप पटना लिखिएगा, ठीक है, उसके बाद डॉट दीजिए, उसके बाद BIH दीजिए, उसके बाद NIC दीजिए, उसके बाद इन दीजिए। इस वेबसाइट से आप अपने डिस्ट्रिक्ट का होम पेज पे चले जाइएगा, वहाँ पे आप ये वैकेंसी आप देख सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। चलिए मैं इस वैकेंसी के बारे में आपको बता देता हूँ। एज की बात करें यहाँ तो जनरल का देखिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 37 दिया है। SC का है 18 से 42, ST का है 18 से 42 और EBC का है 18 से 40 और BC कैटेगरी के 18 से 40। फीमेल कैटेगरी जनरल की बात करें तो 18 से लेकर 40 वर्ष तक ये भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको विकलांगों के लिए 10 वर्षों की छूट दी होगी। उसके बाद अगर ये जॉब आप करते हैं तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड इतना आपके पास सामान रहना चाहिए और इस पर काम करने का जो है आपके पास अनुभव रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिख दिया गया, न्यूनतम योग्यता आवेदक की शैक्षणिक योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान के न्यूनतम मैट्रिक और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम MS Word का ज्ञान रहना चाहिए। उसके बाद इसका मानदेय की हम बात कर लेते हैं तो मानदेय आपको यहाँ देखिए 11,345 रुपया मुक्त राशि दी जाएगी। कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि दे नहीं होगी, ये आपको खुद पे करना होगा। नियुक्ति कैसे की जाएगी तो यहाँ पे देखिए नियोजन अस्थायी रूप से 1 वर्ष के लिए होगी, उसके बाद सेवा संतुष्टि रहने के बाद आधार इसे बढ़ाई जा सकती है। आगे पैनल बनेगा, पैनल का प्रकाशन तिथि से 3 वर्ष तक होगी। तो ये है इन्फॉर्मेशन, आवेदन कैसे आपको फॉर्म भरना है। यहाँ देखिए इस वेबसाइट पे आपको जाना है, www. टाइप करें गूगल पे NAWAD अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम .NIC.in पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको जो है होम पेज सामने खुल के आ जाएगा, वहाँ पे अपना जो है आवेदन अपने निर्धारित स्थान पर फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र में वर्णित सभी कागजात दस्तावेज के मूल प्रति एवं छाया प्रति काउंसलिंग के समय बुलाने जाने पर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि यहाँ पे देखिए 29 सितंबर 2018 के 5 बजे शाम तक निर्धारित है। अधो हस्ताक्षरित को अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताएं चयन प्रक्रिया को किसी भी समय रद्द कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट का अपना राइट है, ये पास रखा हुआ है। तो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन, अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं, बहुत ही लेटेस्ट न्यूज है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको सारा इन्फॉर्मेशन बिहार से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी दोस्तों। कोई भी वैकेंसी आती है किसी भी ज़िले में या बिहार लेवल पर या स्टेट लेवल पर या कंट्री लेवल पर, जो भी सेंट्रल या स्टेट में, सबसे पहले आपको अपडेट की जाती है इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।